नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। राहुल गांधी का घमंड, पंजाब में सब कुछ बदल गया। किसी ने नहीं सोचा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को घमंड दिखाना इतना भारी पड़ेगा। सबसे पहले तो आप इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। ये तस्वीरें हैं पंजाब की, ये तस्वीरें हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह की, उनके घर की, जहां पर तमाम विधायक, तमाम मंत्री, नेता, उनके कार्यकर्ता उनके साथ बैठे और खड़े दिखाई दे रहे हैं। दरअसल इनसे पता चल रहा है कि लंच डिप्लोमेसी से जो जवाब कांग्रेस के आला कमान को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिया है, वो 2022 के पंजाब में राजनीति को बदल कर रख देगा। दरअसल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कोई भी कैप्टन साहब से नहीं मिला। कैप्टन इंतजार करते रहे, बात करते रहे, फोन करते रहे, लेकिन आखिरकार उनसे मिलने का समय ही तय नहीं हुआ। एक मुख्यमंत्री अगर कांग्रेस के आलाकमान से मिलने जाता है तो उसको वापस लौटाना पड़ता है। और अब इन तस्वीरों ने हर किसी बात को शीशे की तरह साफ कर दिया, बिल्कुल साफ, कि कैप्टन ने कांग्रेस को तोड़ दिया है। दरअसल जब नवजोत सिंह सिद्धू को प्रियंका, राहुल पूरा वक्त देते हैं लेकिन कैप्टन को नहीं, उसी के बाद ये बात शुरू हो जाती है कि सिद्धू बहुत खुश है। सिद्धू की खुशी का ठिकाना नहीं है। उनको राजी कर दिया, उनको मना दिया, पता नहीं कांग्रेस ने उन्हें क्या दिया था। लेकिन भले ही रात को घर पहुंचते समय नवजोत सिंह सिद्धू बेहद खुश हो, लेकिन आज की इन तस्वीरों को देखने के बाद उन्हें समझ आ जाएगा कि खेल उनके हाथ से कहीं बाहर जा चुका है। यह सब तब हो रहा है जब कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने बीते दिन नई दिल्ली में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से मुलाकात की और अपना पक्ष रखा। ऐसे में जो ये जमावड़ा अब लगा है, इसके बाद क्या फैसला होता है, हर किसी की नजरें इसी पर जाकर टिक गई है। क्योंकि खुद अमरिंदर सिंह कई बार नवजोत सिंह सिद्धू को कोई अहम पद देने से इनकार करते आए हैं। ऐसे में अब क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। नवजोत सिंह सिद्धू ने लंबे वक्त से कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, उनकी बयानबाजी भी लगातार जारी है। इस बीच सिद्धू ने पहले प्रियंका गांधी फिर राहुल गांधी से लंबी मुलाकात की। माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी की ओर से सिद्धू को जो ऑफर दिया गया है वो उन्होंने मान लिया है। इस मुलाकात के बाद जब आज कैप्टन ने तमाम लोगों के साथ लंच किया, उनसे मुलाकात की, फिर ट्वीट कर कहा कि पंजाब के शहरी क्षेत्रों के वरिष्ठ कांग्रेसी सहयोगियों के साथ सार्थक चर्चा हुई, हमने जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए उनका फीडबैक लिया है। भले ही कैप्टन ये कह रहे हो कि मजबूत करने के लिए फीडबैक लिया है, लेकिन चुनाव से पहले ये मुलाकात और नेताओं की भीड़ बता रही है कि सिद्धू के हाथ से तो पतंग की डोर अब छूट चुकी है और राहुल गांधी के घमंड ने सब कुछ बदल दिया है। यानी पंजाब में कैप्टन का जलवा अब चलेगा और कांग्रेस का तमाम नेता, दर्जनों नेता, विधायक उन्हीं के साथ खड़े हो चुके हैं और यही घमंड राहुल गांधी को अब दिक्कत देगा। आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और लगातार जुड़ रही है एडवांस इंडिया के साथ। नमस्कार।